राजस्थान के कोटा में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर केस दर्ज हुआ है। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कांग्रेस के कई विधायकों पर भी मुकदमा दर्ज हुआ था। बताया जा रहा है कि इस मामले की जांच CBCID करेंगी। बता दें कि कांग्रेस का यह प्रदर्शन महंगाई, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, नीट विवाद, बिजली संकट, किसानों को पानी उपलब्ध कराए जाने और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान सहित कई मामलों को लेकर किया गया था। वहीं कोटा ने पुलिस नयापुरा थाने में दूसरा मुकदमा दर्ज करते हुए पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल कोटा देहात, कांग्रेस अध्यक्ष भानु प्रताप, प्रदेश सचिव नईमुद्दीन गुड्डू, जिलाध्यक्ष कांग्रेस रविंद्र त्यागी, विजय प्रताप पानाहेड़ा, उप महापौर पवन मीणा, प्रदेश सचिव मंजूर तंवर और कार्यकर्ताओं को आरोपी बनाया है। बता दें कि सोमवार को कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और सर्किट हाउस से पैदल कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट की ओर जाने की कोशिश की, जहां कार्यकर्ताओं को पुलिस ने अंदर जाने से मना कर दिया। कार्यकर्ता बार बार कोशिश करते रहे, लेकिन पुलिस बल ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। इतना ही नहीं, भारी भीड़ पर पुलिस ने वाटर कैनन से भी हमला किया। इस विवाद के बीच डोटासरा का कहना है कि जब 3 प्रति परीक्षाएं रद्द कर दी गई तो चौथा एग्जाम कैंसिल करने में दर्द क्यों हो रहा है। यह कहते हुए डोटासरा ने नीट यूजी एग्जाम कैंसिल करने की मांग रखी है।